नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। महाराष्ट्र में शिवसेना को बड़ा झटका, संजय पवार राज्यसभा चुनाव हारे, बीजेपी की 3 सीटों पर जीत। भाजपा के निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ बिहार में परिवारवाद, दो और नेताओं पर लगे बड़े आरोप। प्रदर्शन से मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बनाई दूरी, उपद्रवियों पर कार्रवाई की उठी मांग। गृह मंत्रालय का सभी राज्यों के पुलिस को तैयार रहने के निर्देश, हिंसा में पुलिस कर्मियों को भी निशाना बनाए जाने की आशंका। कुलगाम के खंडीपोरा इलाके में मुठभेड़, हिजबुल का एक आतंकी ढेर, ऑपरेशन जारी। सपा विधायक आजम खान की फिर बड़ी मुश्किलें, ईडी ने जेल निगम भर्ती घोटाले में दर्ज किया एक और केस। लोकसभा उपचुनाव में सपा के लिए गढ़ बचाना चुनौती, दोनों सीटों पर भाजपा से कड़ा मुकाबला। पंद्रह जून को रामनगरी आएंगे आदित्य ठाकरे, रामलला के दर्शन कर सरयू आरती में होंगे शामिल। जुमे की नमाज के बाद यूपी के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन करने वालों की धरपकड़ शुरू, अब तक 136 लोग हुए गिरफ्तार। यूपी में बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय 16 जून से खुलेंगे, महानिदेशक बोले ध्वस्त स्कूलों में न हो शिक्षण कार्य। उत्तरी कैरोलिना के एक खेत में आग लगने से विस्फोट, एक की मौत, 3 हुए घायल। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ की हालत गंभीर, परिवार ने कहा अब रिकवरी की उम्मीद नहीं, उनके सभी अंग काम करना बंद कर रहे। ब्रिटेन के डिफेंस सेक्रेटरी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति से की मुलाकात, समर्थन के लिए जेलेंस्की बोले थैंक यू। यूक्रेन के लिए लड़ने गए 3 विदेशियों को सजाए मौत, रूस समर्थित इलाकों की कोर्ट ने सुनाया फैसला, पुतिन ने अपनी तुलना द ग्रेट से की। नेपाल की राजधानी काठमांडू में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, 4.7 रही तीव्रता। बाबर की बल्लेबाजी और मोहम्मद नवाज की गेंदबाजी के दम पर पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को हराया। मैरीकॉम कॉमनवेल्थ गेम्स के ट्रायल से हटी, सेमीफाइनल में बाएं पैर में चोट की वजह से रिंग छोड़ा, पिछली बार जीता था गोल्ड मेडल। नस्लभेद पर इंग्लिश बोर्ड का बड़ा कदम, एडवाइजर अपॉइंट किया, मुस्लिम एथलीट चार्टर भी बनाया। उत्तराखंड का रोनाल्डो हेमराज जौहरी ने कॉर्नर किक पर दागा गोल, लोग कर रहे स्टार फुटबॉलर से तुलना। श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए की 21 सदस्यीय स्क्वाड की घोषणा, राजपक्षे की हुई वापसी। पुष्पा फेम साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के खिलाफ दर्ज हुआ FIR, एड में गलत जानकारी देने के आरोप में अल्लू अर्जुन के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। बोमन ईरानी अपने OTT डेब्यू को लेकर है काफी एक्साइटेड, 17 जून को रिलीज होगी वेब सीरीज मासूम। भाईजान में श्वेता तिवारी की बेटी पलक की एंट्री, सलमान खान ने एक्ट्रेस को खुद किया कास्ट।
ब्रिटनी स्पियर्स ने मंगेतर सैम असगरी से की शादी। सिंगर की शादी में हंगामा करने पहुंचे एक्स हस्बैंड जेसन, पुलिस ने अरेस्ट किया। विक्रम वेदा की शूटिंग पूरे फिल्म में दो लुक में नजर आएंगे ऋतिक रोशन। यंग वेदा के लिए एक्टर ने घटाया 12 किलो वजन। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बाल पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।